67 शीट का आर में डाउट है, ये पी क्यू आर ये वाला। हाँ सर, ये क्रिएट ये डिस्काउंट सेकंड वाले में बस। देखो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, कई एडजस्टमेंट हैं इसके अंदर। आर वाले में ऐसा बोला है कि सन्डी डेटर्स हमारे पास 1,30,000 के, और हमारे इस साल बैड डेट्स हो गए 99,000 के, और इन 9,000 के बैड डेट्स के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ है 6,000 का। ये पिछले साल बनाया था, हाँ ठीक यस है। सर। तो हमने बैड डेट्स ज्यादा हो गए, प्रोविजन कम है, ठीक। 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है इस बैड डेट्स में, वो हमारे पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। सर तो इसको माइनस कर देते ना इसमें से, तो होता है क्या? ऐसे ही कर लो भाई, 3,000 ही है, 9,000 लिख के 6,000 माइनस करो तो भी 3 जाएगा, कैसे भी कर लो, है ना, यस वही सर। की बात है। 9,000 डेबिट में लिख दो, 6,000 क्रेडिट में लिख दो, तो भी वही बात है, ठीक यस सर। है। फिर बोला है 5% का प्रोविजन बनाना है इस साल डेटर्स पे, तो 1,30,000 पे नया प्रोविजन बनाएंगे इस साल, बनाएंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाएंगे। तो इस छह इंफॉर्म हजार पांच सौ 6,500, तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं यहाँ पे, तो मैं अगर पहली बात तो बैड डेट्स की बात कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स 6,000, नहीं 9,000, बैड डेट्स से 9,000 लेस ओल्ड प्रोविजन, पुराना प्रोविजन 6,000। इसके अंदर चलो ठीक है, वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 3,000 रुपये आ जाएगा, या आउटर कॉलम मान लो इसको, ठीक है। एक तरीका ही है। दूसरा, अभी मैं सिर्फ बैड डेट्स की बात करूँ, दूसरे में क्या करेंगे हम, यहाँ से दूसरा तरीका, इसी 3,000 को लिखने का एक तरीका हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ टू बैड डेट्स 9,000 रुपये, और यहां लिख दो मैं बाय प्रोविजन 6,000, 3,000 रुपये आ गया। तो ये दोनों ढंग से हो सकती है, इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई अगले साल के 6,500 का प्रोविजन बनाओ, तो मैं एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां लिख दूं टू प्रोविजन, नया प्रोविजन लिख देता हूँ, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो नया बना रहे हैं अपन, तो नया वाला यहाँ पे लिख दिया अपन, तो यहाँ पे 6,500 लिख दिया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना फर्क पड़ गया डेबिट में, 9,500 में, 6,500 का प्रोविजन, 3,000 पुराना लॉस। दूसरा तरीका जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये बैड डेट्स में ओल्ड प्रोविजन घटा दो, यहाँ पे न्यू प्रोविजन जोड़ दो, हाँ यस सर। नया प्रोविजन कितना, 6,500 का जोड़ दो। ये अमाउंट जो यहाँ पे मैंने 3,000 रुपये लिखा है, ये 3 की जगह यहाँ पे 9,500 आ जाएगा। तो हम, मैं इसके अंदर चाहे ये वाला ट्रीटमेंट करूं, चाहे मैं ये वाला ट्रीटमेंट करूं, दोनों का इफेक्ट सेम है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। अब उसके अंदर बोला है डिस्काउंट भी है, उसके ऊपर भी प्रोविजन था और उसके ऊपर भी नया प्रोविजन बना, तो उसमें भी यही करना है, उसमें भी अपने को यही करना है। डिस्काउंट के केस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड, कितना है डिस्काउंट अलाउड पिछली बार का, इसके अंदर डिस्काउंट अलाउड दिया 7,000 का, पुराना प्रोविजन है 5,000 का, और प्रोविजन नया बनाना है 2%, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड का प्रोविजन हम बनाएंगे 7,000 और 9,000, ऐसा ठीक है, जो भी।
डिस्काउंट अलाउड हमारा 7,000 रुपये है, या तो मैं इसको बाहर के कॉलम में लिख देता हूँ, पुराना प्रोविजन हमारे पास 9,000 का है, ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ओल्ड, पुराने प्रोविजन को हमने प्रॉफिट मान लिया 9,000 रुपये, और अब नया प्रोविजन 2% का बनाना है, 2%। तो जब नया प्रोविजन बनाते हैं तो हमें क्या करना है उस केस के अंदर, वो मैं आपको बैलेंस शीट में इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से बताऊंगा। ये बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन कैसे लिखी जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, डेटर्स 1,30,000, लेस 6,500 प्रोविजन जो हमने नया बनाया पीबीडीडी नया, ये ध्यान रखना यहाँ पे न्यू आएगा बस 6,500। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, डेटर्स अभी हमारे पास 1,30,000 के हैं, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि 6,500 रुपए हमारे डूब सकते हैं। तो भाई डूबने के बाद में कितने हमें मिलेंगे, 1,23,500 मिल जाएंगे। तो जो मिलेंगे उन्हीं को तो डिस्काउंट देंगे, तो जो आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओगे वो 1,23,500 बनाओगे, पीडीडी न्यू इतना 1,23,500 पे 5%, 2% बोला, 2%, तो कितना आया 1,235 ना, तो 2,470 2% ये, और फिर ये अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा ये हम बैलेंस शीट के बाहर लिखेंगे। तो अब हमारे डेटर जिनसे हमें को पूरा पैसा मिलने की चांसेस है वो है हमारे 1,21,030 30 रुपए। तो ये जो 2,470 का प्रोविजन बनाया है ये आप नया प्रोविजन है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स न्यू 2,370 2,470, तो ये अमाउंट यहाँ पे ऐसे आया। और इसको भी हम चाहे तो इसके अंदर भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ किया। अल्टीमेटली प्रॉफिट पे बर्डन कितना आ रहा है, प्रॉफिट में से घट कितना आ रहा है, ये डेबिट साइड कितना 9,470 और ये 9,470 रुपए डिस्काउंट के कम हो रहे हैं इस साल प्रॉफिट में से। तो मैं अगर ये वाला करता हूँ 7,000 में नया प्रोविजन जोड़ दूं और पुराना प्रोविजन घटा दूं जैसा मैंने पीबीडीडी में किया है तो अभी 470 ही रुपए तो डेबिट में आएगा, अभी भी 470 ही तो डेबिट में आ रहा है। हाँ यस सर, बात तो एक ही है, एक ही बात है, इन सारी एंट्री से हमारे प्रॉफिट में 470 रुपए का तो कमी हो रही है, चाहे मैं डेबिट में घटाऊं ऊपर की तरह जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया है, अलग अलग लिखूं एक ही बात। तो ये है, तो आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको ये पूरा ट्रीटमेंट दोनों दिखाने, या तो दोनों में से ऊपर वाले में से कोई भी दिखा दीजिए, या तो ये ट्रीटमेंट दिखा दीजिए या ये दिखा दीजिए, और yes, sir. प्रोविजन के लिए डिस्काउंट के लिए भी आप अलग से दिखा दीजिए, तो दोनों के दिखाने आपको, और बैलेंस शीट के अंदर आपको इस क्वेश्चन के अंदर आर वाले में बैलेंस शीट में ऐसे दिखाना। yes, sir. और बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं आपको। सर मुझे ना बुक का एक क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा, मतलब उसमें एक एडजस्टमेंट है वो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। हां क्या एडजस्टमेंट है, सो उसमें स्टॉक ऑफ 1500 वाज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज, सो हम लोग मतलब इसमें क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ ड्राइंग्स ही है। हां सो ये ड्राइंग में से लेस हो जाएगा, ड्राइंग में ऐड होगा मतलब कैपिटल में लेस होगा ना। हां मतलब वही, बट सर उन्होंने सॉल्यूशन में कैपिटल में ऐड किया है इसलिए मैं कंफ्यूज हूं, उन्होंने प्लस किया। फिर से बोलो क्या है, स्टॉक ऑफ 1500 वाज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज और अशोक ही प्रोप्राइटर है तो उसने लिया है तो कैपिटल में से माइनस होना चाहिए और परचेजेस में से माइनस होना चाहिए, बट उन्होंने सॉल्यूशन जो दिया है उसमें 1500 प्लस किया है कैपिटल में, पता नहीं क्यों। और परचेजेस में क्या क्या है, परचेजेस में माइनस किया सर। मैं आपको सॉल्यूशन एक सेकंड, नहीं अभी पहले सॉल्यूशन बाद में देखूंगा, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल मेरे को दे रखी है
1,00,000 रुपए और इसमें से मुझे ड्रॉइंग्स को लेस करना है, तो मैंने यहाँ ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 13,000 की और 5,000 के गुड्स विड्रॉ किए, तो मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूं गुड्स 5,000 और फिर इन तीनों का टोटल एक साथ घटा दूं दोनों का टोटल, तो भी वही बात है भाई, 13,000 ड्रॉइंग में 5,000 जोड़ के 18,000 घटा रहे। और या फिर मैं एक काम ये करूं, कैपिटल 1,00,000 और इसमें लेस कर दूं राजा, फिर लेस करूं गुड्स ड्रॉ 5,000, क्या मेरी कैपिटल बदल जाएगी? आस्था इन दोनों में कुछ फर्क है क्या ये बताओ, ये ऊपर वाला ट्रीटमेंट जो मैंने किया और जो नीचे वाला, क्या इन दोनों में फर्क है क्या? नहीं है सर। अब आप भेज दो सॉल्यूशन की किताब। भेज रहे हैं आप? नहीं सर, आ गया मुझे समझ। और बताइए सर, जनरल रिजर्व किसमें आना चाहिए, असेट में सॉरी लायबिलिटीज में ना? हाँ, क्रेडिट बैलेंस होता है जनरल रिजर्व का। और सर इसमें एक एडजस्टमेंट है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व। तो मतलब ये है कि आपका उस केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे यहां पे मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट आता है 60,000 रुपये, जब क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10% जनरल रिजर्व में डालो, तो आप पता है क्या करोगे, और आप ये 60,000 क्या करते हो, बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ देते हो। भाई नेट प्रॉफिट 60,000 आया तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट 60,000 जोड़ दोगे, यही करोगे आप। यस सर। अगर इसमें कहा जाए कि 10% को जनरल रिजर्व में डालना है सर, पहले इसको नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे और तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री 10% निकालो 7,000 रफ में और फिर यहाँ लिखोगे टू जनरल रिजर्व, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 6,000 जनरल रिजर्व में डालो, फिर कितना बच जाएगा 54, तो आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट 54,000, ऐसे लिखोगे। इस इंफॉर्मेशन को आप बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में आप 60,000 नहीं जोड़ोगे, 54,000 आएंगे, आप यहां पर 54,000 जोड़ोगे, आप यहां पर 54,000 जोड़ोगे, और जो जनरल रिजर्व है आपकी वो जनरल रिजर्व आप अलग से दिखाओगे। सर तो इसमें इफेक्ट क्या है फिर? मैं बता रहा हूं, वो इस पे इफेक्ट वही आया कि जो आपका क्वेश्चन ये हुआ कि जनरल रिजर्व बनाने से फायदा क्या है, जनरल रिजर्व 6,000 का बन गया। अगर ट्रायल बैलेंस में जनरल रिजर्व पहले से दिया है 10,000 का पहले से दिया, तो आप बढ़ के कितना हो गया 16,000 हो गया, और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा है तो नया इसी साल बनाया तो 6,000 का आएगा। इसका मतलब बिजनेस कह रहा है कि भाई सारा प्रॉफिट हमें नहीं देना है ओनर को, क्यों देना है सारा प्रॉफिट बिजनेस को, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक रिजर्व रखो, बचा हुआ प्रॉफिट, ये मतलब इसका।
ओनर को सारा पैसा नहीं देना प्रॉफिट का, कुछ पैसा बिजनेस रिजर्व के लिए बचा कर रखना चाहता है। ओके सर, ठीक और है। सर एक और क्वेश्चन, और सर इसमें 67 वाली में ही क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या ऐसा होगा? जो क्रेडिटर्स पे हम डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, जैसे प्रोविजन नया बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, डिस्काउंट हाँ का ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से घटा देंगे। क्रेडिटर्स में से लेस और पीएनएल के क्रेडिट साइड में, इनकम है ये डिस्काउंट जो हमें मिलने वाला क्रेडिटर्स है उसको हमने अभी डिस्काउंट मान लिया। और सर 68 शीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा मैच नहीं हो रहा है। 68 का मैंने सोल्यूशन नहीं बना रखा है, ठीक है मैं बना के भेज दू, शेयर करता हूँ, अभी तो रुकना पड़ेगा एक आधे। और सर इसमें क्वेश्चन नंबर 268 में हाँ उसमें मैनेजर्स कमीशन नहीं आ रहा मेरे को। मैंने आपसे कहा पहले से पूरा क्वेश्चन आप कर दो उसको, मैं मैनेजर कमीशन समझा दू, कल मैं डाल देता हूँ मैनेजर कमीशन, और भी लोग पूछ रहे थे अनवी वगैरह किसने पूछा था, तो मैंने उनको कहा था आप बिना मैनेजर कमीशन के क्वेश्चन कर दो पहले, आप छोड़ दो मैनेजर कमीशन का एडिशन, बाकी कर दो मैं समझ जा दूंगा तुरंत समझ आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ मतलब सर हम सारे ऐड कर दे ग्रॉस प्रॉफिट नेट आपको प्रॉफिट इस सब बैलेंस निकाल शीट भी लें बना डालो, बैलेंस शीट भी बना डालो, बस मैनेजर कमीशन के एडजस्टमेंट मत करो, सर, तो मतलब कैसे लाइन छोड़ो उसमें क्या कुछ मत करना है? छोड़ो लाइन वाइन कुछ मत छोड़ो, छोड़ मत करो ऊपर लिख देना ओवर राइटिंग कर देना यार, नेट प्रॉफिट के ऊपर एक लाइन छोड़ दो और लाइबिलिटीज में एक लाइन खाली छोड़ देना, बस इतना कर लेना अगर तेरी बहुत इच्छा है तो, बस प्रॉफिट हाँ एंड लॉस ठीक है में सर, नेट प्रॉफिट के ऊपर एक खाली लाइन छोड़ देना और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में एक लाइन छोड़ देना खाली, ठीक है। यस सर, और वो तो अगर एसेट्स ज्यादा है तो अपने आप लाइन छूट जाएगी लाइबिलिटीज में, क्योंकि टोटल तो बैलेंस शीट का एक ही तरफ लिखते हैं दोनों साइड, अपने आप जगह छूट जाएगी, बस बैलेंस शीट प्रॉफिट के ऊपर एक लाइन खाली छोड़ देना, बस पी ठीक है सर। और और पूरा बना देना बैलेंस शीट टैली वैली करके सब भेज, ठीक हाँ है। हाँ यस सर, हाँ और बोलिए यस सर, एक मिनट। राइट ऑफ 600 एज बैड डेट्स, तो एडिशनल ये बैड डेट्स हैं, ये बैड डेट्स इनकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है, और सर इसमें ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दे रखा है ये बैड डेट्स तो। हाँ तो नए है ना अभी साल खत्म होने पर मालूम पड़ा, पहले नहीं मालूम था। तो सर इसको पीएनएल के डेबिट में डालेंगे, हाँ और डेटर्स में से माइनस भी करोगे, डेटर्स में से माइनस, हाँ। और फिर उसके बाद वो प्रोविजन फॉर डेटर्स दे रखा है इसके ऊपर तो माइनस उसको करने 5% के बाद वाले अमाउंट पे बनाएंगे, हाँ जो भी है जितने हाँ डेटर्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स, फिर जो डेटर्स आएंगे उस पर बनाएंगे, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। पीयूष एनी डाउट डू यू हैव? नो सर। ओके।